हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अंग्रेजी की पाठशाला में। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज अबाउट अ वेरी ग्रेट फेमस मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट हु इज नन अदर देन ऑक्टेवियो पेस। तो इस वीडियो में हम अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर हिज मास्टरपीस एंड द नेम ऑफ हिज पोएम इज मोशन, यानी कि मोशन के बारे में हम कवर करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो में लेकर आने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए दैट इज़ अबाउट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड उसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द डिटेल्ड समरी एनालिसिस विद करेक्ट एनोटेशंस, द डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच दैट ही हैज़ बीन यूजिंग इन द पोएम ऑल थ्रू एंड अलॉन्ग विद द थीम्स। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इस वीडियो को हम बिगिन करते हैं। सो इनके अर्ली लाइफ के बारे में अगर बात की जाए देन ऑक्टेवियो पेज वॉज बॉर्न नियर मैक्सिको सिटी एंड हिज फैमिली वॉज अ प्रोमिनेंट लिबरल पॉलिटिकल फैमिली इन मैक्सिको। तो क्योंकि ये मैक्सिको सिटी से बिलोंग करते थे तो इनके रूट्स में आपको इंडिजीनियस मैक्सिकन रूट एंड स्पेनिश रूट भी देखने को मिलेगा, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है उसमें आपको ना सिर्फ मैक्सिकन पोएट्स की एक झलक दिखाई देगी बल्कि आपको स्पेनिश के भी कई सारे इन्फ्लुएंसेस नज़र आएंगे। सो विथ हिज ग्रैंडफादर, अगर इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं इरेनो पेज, इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड हुआ करता था एंड ही हैज़ फाउट इन द वॉर ऑफ रिफॉर्म एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान किया था कंजर्वेटिव्स की तरफ एंड ही बिकम अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ लिबरल वॉर हीरो दैट इज़ पोर्फिरो डियाज, यानी कि ये जो हमारे पोर्फिरो डियाज हैं इनके तरफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, वो इनके बहुत ही स्ट्रॉन्च यानी कि बहुत ही मीन्स हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं एंड ही अप अंटिल बिफोर द 1910 की बात की जाए तो ये एक मैक्सिकन रेवोल्यूशन के बारे में दर्शाता है विच इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक एंड उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू रीड ओनली अबाउट द पोएट एंड द पोएम दैट ही हैज़ रिटन ऑन मोशन। सो इरेनो पेज जो है मैक्सिकन रिवॉल्यूशन की एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, ये हुआ था 1910 में एंड इसके दौरान काफ़ी ज़्यादा इंटरमीडिएट्स के बीच में लड़ाई हुई थी एंड इरेनो पेज जो कि इनके ग्रैंडफादर हैं ही बिकेम एन इंटेलेक्चुअल एंड जर्नलिस्ट स्टार्टिंग सेवरल न्यूज़पेपर। जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ये एक काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर भी थे, ही स्टार्टेड हिज ओन न्यूज़पेपर, ही वॉज ऑल्सो अ पब्लिशर एंड अ प्रिंटर। तो बात करते हैं ऑक्टेवियो पेज के बारे में, इनका पूरा नाम जो है वो हम यहाँ देख लेते हैं एज इट इज़ डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, हिज फुल नेम वॉज ऑक्टेवियो पेज लॉरेंजो। देन मार्च 31 को इनका जन्म हुआ था 1914 में इन मैक्सिको सिटी एंड ही डाइड ऑन अप्रैल 19 1998। उस वक्त इनका जो एज था दैट वॉज 84 इन मैक्सिको सिटी ओनली। ऑक्यूपेशन की बात की जाए देन ही वॉज अ राइटर, पोएट एंड अ डिप्लोमैट। पीरियड जो है इनका जो लिटरेरी पीरियड है जिस बीच इन्होंने काम किया कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेचर की तरफ दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1931 एंड इट लास्टेड अप टू 1965। लिटरेरी मूवमेंट देखा जाए देन श्योरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ इन्होंने अपना योगदान दिया है। नॉ अगर इनके अवार्ड्स के बारे में देखा जाए यानी कि नोटेबल अवार्ड देन माइगल डी सर्वेंटस प्राइज इन्हें 1981 में दिया गया है एंड ही गॉट द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1990। तो 1990 में इन्हें नोबल प्राइज भी दिया गया है लिटरेचर के लिए। इनके शादी की अगर बात की जाए देन हिज वाइफ नेम वॉज एलेना गैरो। आगे बढ़ते हैं इनके लिस्ट ऑफ वर्क्स की तरफ में, इनके पोएट्री कलेक्शन की तरफ देखा जाए तो इन्होंने मैक्सिकन एंड स्पेनिश दोनों तरीके की पोएट्रीज को लिखा है। 1993 से स्टार्ट होता है ल्यूना सिल्वेस्ट्री, देन नो पजरिन, रैस डे होम्ब्रे, बैजो टू क्लारा, सोम्ब्रा बाय वाटर्स, पॉमस सोब्रा इस्वानो एंड इसी तरीके के लिब्रेटो एंड सेमिलास पारा उन हिमनो, ये जितने भी हैं ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ स्पेनिश कलेक्शंस हैं। अवार्ड्स की अगर बात की जाए देन ही वॉज इंडक्टेड मेंबर ऑफ कॉलेजियो नेशनल मैक्सिकन हाईली सिलेक्टिव अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, इन 1967 में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देन ही गॉट पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड, नेशनल प्राइज फॉर आर्ट्स एंड साइंसेस इन मैक्सिको लिटरेचर इन द ईयर 1977, ऑनररी डॉक्टरेट नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको इन 1978, ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1980, ओलिनो योल्टिस प्राइज,
माइगल डी सर्वेंटिस एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन दैट इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर विच ही हैज गॉट इन 1990. अब इनकी लेटर लाइफ की तरफ अगर देखी जाए देन अ कलेक्शन ऑफ पैज पोएम रिटन बिटवीन 1957 एंड 1987 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1990. तो ये जो है इस ट्रांजिशन के बीच में 1957 से लेकर के 87 तक जितने भी पोएम इन्होंने लिखे हैं वो पब्लिश किए गए 1990 में. इन 1990 ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. ही डाइड ऑफ कैंसर ऑन अप्रैल 19, 1998 में इनकी डेथ हुई इन मेक्सिको सिटी ओनली. एंड गिलमेरो शेरियन हु वाज नेम्ड बाय पैज एज डायरेक्टर ऑफ द ऑक्टेवियो पैज फाउंडेशन इन 1998 ही हैज पब्लिश्ड अ बुक एंड द नेम ऑफ द बुक वॉज पोएटा कॉन पिजाजी जो कि 2004 में पब्लिश की गई विद सेवरल बायोग्राफिकल एसे अबाउट द पोएट्स लाइफ. यानी कि इनके लाइफ के बारे में उसमें बहुत सारे एसेज भी दिए गए हैं व्हेन ही डाइड यानी कि पोस्टमसली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑथर, दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएट ऑक्टेवियो पैज. इसके आने वाले वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोशन पोएम के बारे में. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन कीप लर्निंग.